हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीचिंग बायोलॉजी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एनटीए यूजीसी नेट पेपर वन यूनिट टू रिसर्च एप्टीट्यूड प्रैक्टिस क्वेश्चन। हम लोग पहले जो है टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं, अभी हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन के लिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज रिसर्च इज, आपको बताना रिसर्च क्या है। रिसर्च क्या सर्चिंग अगेन एंड अगेन को रिसर्च कहते हैं, या फिर फाइंडिंग सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। सी में है वर्किंग इन अ साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम, और डी नन ऑफ द एबव। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। रिसर्च इज वर्किंग इन अ साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम। सेकेंड क्वेश्चन, हु सेड दैट रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज, ऐसा किसने कहा था बताइए। वेस्टर ने कहा था, रेडमैन एंड मोरे ने कहा था, जे डब्ल्यू बेस्ट ने कहा था, नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेडमैन एंड मोरे। रेडमैन एंड मोरे ने कहा था कि रिसर्च जो है एक सिस्टमेटिक एफर्ट है नए नॉलेज को गेन करने के लिए। हु सेड दैट रिसर्च इज अ प्रोसेस ऑफ स्टेप्स यूज टू कलेक्ट एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक और एन इशू। ये किसने कहा था, ये क्रेसवेल ने कहा था। क्रेसवेल क्या बोले थे कि रिसर्च एक प्रोसेस है जो कि स्टेप बाय स्टेप यूज करता है कलेक्ट और एनालिसिस इंफॉर्मेशन टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक और एन इशू। क्वेश्चन नंबर 4, अ गुड रिसर्च एम एट, गुड रिसर्च एम एट, ऑप्शन ए डेवलपिंग जनरलाइजिंग थ्योरीज एंड प्रिंसिपल, बी सॉल्विंग रूटीन प्रॉब्लम, सी बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, एंड डी नन ऑफ द एबव। तो एक गुड रिसर्च एम करता है डेवलपिंग जनरलाइजेशन थियोरीज एंड प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द नेचर ऑफ रिसर्च, इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि नेचर ऑफ रिसर्च को बताता है। तो ऑप्शन ए है इट इज ऑब्जेक्टिव एंड फैक्चुअल, इट इज साइंटिफिक इन नेचर, इट इज लॉजिकल इन नेचर। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ये सारे के सारे जो है एक नेचर है रिसर्च के, ऑब्जेक्टिव एंड फैक्चुअल, साइंटिफिक इन नेचर और लॉजिकल इन नेचर। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव है रिसर्च का। तो क्या है ऑप्शन, टू गेन फैमिलियरिटीज विथ फिनोमेना एंड अचीव न्यू इंसाइट इन टू इट, टू डिटरमाइन द फ्रिक्वेंसी विथ विच समथिंग अकर, टू डिस्क्राइब अनएक्सप्लेन्ड हॉरिजन्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सारे ही जो है ऑब्जेक्टिव है रिसर्च का। इन व्हाट वेज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च कैन बी इन्हांस्ड, आपको बताना है कि किस तरह से इन्हांस होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है थ्रू इट्स इम्पैरिसिटी, थ्रू इट्स रिलायबिलिटी, थ्रू इट्स वैलिडिटी, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, थ्रू ऑफ इम्पार्शलिटी, थ्रू ऑफ इट्स रिलायबिलिटी, थ्रू ऑफ इट्स वैलिडिटी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, मेन ऑब्जेक्टिव है क्या है रिसर्च का। टू रिव्यू द लिटरेचर, टू समराइज व्हाट इज ऑलरेडी नोन, टू गेट एन एकेडमिक डिग्री, और टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स, और टू मेक फ्रेज इंटरप्रिटेशंस ऑफ नोन फैक्ट। तो रिसर्च क्या कहता है, ये डिस्कवर करता है न्यू फैक्ट का और मेक फ्रेश इंटरप्रिटेशन ऑफ नोन फैक्ट, जो पहले से पता है लेकिन उसमें कुछ नया डिस्कवर करना। हमेशा ये जो है सर्च होते रहता है और उसमें कुछ नया चीज़ खोजा जाता है, ये नहीं कि जो एक बार पता चल गया उसी को मानते हुए चलते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द क्वालिटी ऑफ रिसर्च कैन बी जज बाय द ऑप्शन ए relevance of research, b methodology adapted in conducting the research, c depth of research, और d है experience of research। तो क्या होता है, quality of research जो है वो judge किया जाता है depth of research से। ठीक है, कितने depth से research हुआ है, कितने गहराई से research हुआ है, उसे judge करते हैं कि कैसा quality हुआ research का। A research is conducted to fulfill which of the following, इसमें से किसको fulfill करता है, generate new knowledge, not to develop a theory, obtain research degree, retrenchment existing knowledge। तो आपका आंसर हो जाएगा generate new knowledge, obtain research degree,
रीइंटरप्रेट एग्जिस्टिंग नॉलेज। तो ऑप्शन ये तीनों कहाँ है आपको, जनरेट न्यू नॉलेज, ऑब्टेन रिसर्च डिग्री एंड रीइंटरप्रेट एग्जिस्टिंग नॉलेज, ऑप्शन नंबर डी 1, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। इसमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है। इन रिसर्च ऑब्जेक्टिव कैन बी वर्डेड इन क्वेश्चन फॉर्म, इन रिसर्च ऑब्जेक्टिव कैन बी वर्डेड इन स्टेटमेंट फॉर्म, ऑब्जेक्टिव आर टू स्टार्टेड इन चैप्टर 1 ऑफ द थीसिस ऑल ऑफ देवर। देखिए ये दोनों क्वेश्चन जो है वो कॉन्ट्रावर्सी, मतलब ये देखिए ये इसमें बोल रहा है कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव कैन बी वर्डेड इन क्वेश्चन फॉर्म, और इसमें कह रहा है इन रिसर्च ऑब्जेक्टिव कैन बी वर्डेड इन स्टेटमेंट फॉर्म। तो क्या होता है कि रिसर्च में ऑब्जेक्टिव जो है वो स्टेटमेंट फॉर्म में रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। साइन क्यूर नन इजेंशियल एलिमेंट्स ऑफ गुड रिसर्च इज। तो क्या होता है अ वेल फॉर्मुलेटेड हाइपोथेसिस, जितना अच्छा से हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करेंगे उतना ही अच्छा फिर हम उसके ऊपर में वर्क करेंगे और फिर हमारा रिपोर्ट भी सही आएगा। अ गुड रिसर्च सुपरवाइजर, एडिक्वेट लाइब्रेरी, अ वेल फॉर्मुलेटेड प्रॉब्लम, नहीं अ वेल फॉर्मुलेटेड हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जो है वो बहुत अच्छे तरह से आपको सोचकर लिखना होगा। रिसर्च कैन बी क्लासिफाइड एज, रिसर्च कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं, रिसर्च कैन बी क्लासिफाइड एज, ऑप्शन ए बेसिस अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, डी है फिलोसफिकल हिस्टोरिकल सर्वे एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर देखिए बेसिस अप्लाइड एक्शन रिसर्च ये नहीं होगा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च से क्लासिफाई करते हैं, साथ ही साथ फिलोसफिकल हिस्टोरिकल सर्वे एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ये भी जो है रिसर्च का क्लासिफिकेशन है। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव रिसर्च और फिलोसफिकल हिस्टोरिकल सर्वे एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ये दोनों जो है क्लासिफिकेशन, यहाँ पे ऑप्शन डी मिसिंग है, ऑप्शन डी में होगा बोथ बी एंड सी। ठीक है क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ फील्ड स्टडी, फील्ड स्टडी का टाइप कौन कौन सा है। तो दिया हुआ एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई भी फील्ड स्टडी का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, विच रिसर्च इज प्राइमरी कंसर्न्ड विथ फाइंडिंग आउट व्हाट इज और व्हाट वाज। एक्सप्लेनेटरी, कोरिलेटिव, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, नन ऑफ द अबव। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो व्हाट इज और व्हाट आर को एक्सप्लेन करता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्चर मैनिपुलेट इन ऑलवेज अ पार्ट ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्चर्स मैनिपुलेट, मैनिपुलेट किस में होगा, तो जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तब होगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में मैनिपुलेशन देखने मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, द रिसर्चर्स इज कैरीड आउट आफ्टर द इंसिडेंट, द रिसर्चर्स इज कैरीड आउट प्रायर टू द इंसिडेंट, द रिसर्चर इज कैरीड आउट अलॉन्ग विद द हैपनिंग ऑफ एन इंसिडेंट, द रिसर्चर इज कैरीड आउट कीपिंग इन माइंड द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इंसिडेंट। ये है ऑप्शन नंबर डी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, ऑप्शन ए, द रिसर्च इज कैरीड आउट आफ्टर द इंसिडेंट। आफ्टर द इंसिडेंट होगा तो वो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहलाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आफ्टर द इंसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 18, विच टाइप ऑफ रिसर्च कंसर्न इटसेल्फ विद काउज इफेक्ट रिलेशनशिप। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, एनालिटिक रिसर्च, कोरिलेशन रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। तो एनालिटिक रिसर्च जो है वो इफेक्ट रिलेशनशिप को बताता है, एनालिटिक इफेक्ट रिलेशनशिप एनालिटिक रिसर्च, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, टू रिसर्च मेजर टू रिड्यूस द एब्सेंटिस रेट्स अमॉन्ग एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी इज द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च, एनालिटिक रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, एक्सपोस्पेक्टिव रिसर्च। तो एनालिटिक रिसर्च जो है वो बताता है टू रिसर्च मेजर टू रिड्यूस द एब्सेंटीज रेट्स अमॉन्ग एम्प्लॉयज ऑफ एन कंपनी।
इसमें क्या होगा, एनालिटिक रिसर्च, जो एनालिसिस से जिसमें पता चलता हो, ठीक है ना, विच रिसर्च इज कंडक्टेड फॉर दोज प्रॉब्लम विच हैव नॉट बीन रिसर्च बिफोर, विच रिसर्च इज कंडक्टेड फॉर दोज प्रॉब्लम विच हैव नॉट बीन रिसर्च बिफोर, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। इसका आंसर एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लोरेटरी, हिस्टोरिकल एनालिटिक्स से नहीं पता चलता है, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च से पता चलता है कि जो कंडक्ट हो रहा है प्रॉब्लम विच हैव नॉट बीन रिसर्च बिफोर, पहले से नहीं रिसर्च किया होगा। ओके, आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। अभी हम लोग रिसर्च चैप्टर 2 के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन किए हैं, आगे और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन कर चुके हैं, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, लिंक दिया हुआ रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।